है यू आर सब एवरीबडी वेलकम टू न्यू वीडियो बेबे। तो गाइस आज हम बात करने वाले आप कैसे कस्टम रूम मैच बना सकते हो स्लो वर्सेस स्लो क्लासिक स्क्वाड में। तो गाइस ये सारी चीज़ जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चले गए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू होने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल पे सेट कर देना। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो शुरू करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप वीडियो देख पाओगे, और जो पहले से सब्सक्राइब कर रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चले शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्लासिक में क्लिक करना है, ऊपर देख सकते हो कस्ट्यूम रूम उसमें भी क्लिक करना है। तो गाइस अभी मेरे पास टोटल 12 कस्ट्यूम रूम कार्ड है। और दोस्तों ये कार्ड कैसे मिल गया, दोस्तों ये कार्ड आपको गिल्ड में ज्वाइन होने के बाद मिल जाएगी। आपको किसी गिल्ड में ज्वाइन हो जाना है, उसके बाद आपको हफ्ते में एक आपको कस्ट्यूम रूम कार्ड देगा, उससे आप क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस अगर आपके पास कस्ट्यूम रूम नहीं कार्ड नहीं है और दूसरे के कस्ट्यूम रूम में खेलना चाहते हो, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा कस्ट्यूम रूम मैच अभी तक हो रहा है। और इसमें क्लिक करने के बाद ज्वाइन में जो है क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप दूसरे के कस्ट्यूम रूम में खेल सकते हो। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं आपका खुद का कस्टम रूम मैच कैसे बना सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आपका कस्टम रूम का कोई भी सी नाम दीजिए, आप दे भी सकते हो ना भी, या देने से भी कुछ नहीं होगा ना देने से भी कुछ नहीं होगा। मैं फिर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, कोई से भी नेम दे के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लकी लिख रहा हूँ, उसके बाद ओके, और उसके बाद आपका मैक्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लासिक स्क्वाड में क्लिक कर देना है, उसके बाद हो गया। और सारा चीज़ जैसे है उसको वैसे रहने दीजिए, और उसके बाद गेम में क्लिक कीजिए। तो गाइस याद रखना सारा चीज़ अभी यहाँ पर है, आपको कितना राउंड चाहिए क्लासिक स्क्वाड में यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर 7 राउंड है, उससे भी ज़्यादा है 11 राउंड तक है, 11 राउंड दे सकते हो आप। उसके बाद एचपी यानी हेल्थ आपको कितना चाहिए, 200 या उससे भी ज़्यादा चाहिए तो दे सकते हो। उसके बाद मूवमेंट स्पीड आपको कितना चाहिए, 100% उससे ज़्यादा तो दे सकते हो। तो बस यहाँ पर सारा चीज़ आपको जितना चीज़ चाहिए आप दे सकते हो। यहाँ पर आपका ईपी है, आपका जम स्पीड है, उसके बाद लिमिटेड एमओ। तो गाइस लिमिटेड एमओ में आपका ग्लोएल भी आता है, ग्लोएल सारा चीज़ मतलब आपका जितना चीज़ है आपको लिमिटेड अनलिमिटेड हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो लिमिटेड एमओ का एक ऑप्शन है, उसको ऑन कर देना है। ऑन करने से क्या होगा, आप जो भी चीज़ एक बार ले लोगे तो उसका अनलिमिटेड हो जाएगा, मतलब जितना यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। तो गाइस ऐसे आपको लिमिटेड का ऑप्शन ऑन कर देना है। उसके बाद आपका अगर सारा चीज़ आपका सेट हो गया, मतलब सारा चीज़ आपका रेडी हो गया कस्टम रूम, तो उसके बाद आपको कॉन्फर्म में क्लिक कर देना है। तो गाइस अभी देख सकते हो आपका कस्टम रूम मैच रेडी हो गया है, और उसके बाद आपका फ्रेंड को इनवाइट करके आप खेल सकते हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ पर देखिए, मतलब सारा बंदा अपने आप ही आ रहा है और रूम फुल हो गया। तो गाइस अभी स्लो वर्सेस स्लो स्क्वाड कैसे बना सकते हो, तो गाइस उसके लिए आपको सबको किक आउट करना है, और उसके बाद उससे पहले आपका मतलब जो कस्टम रूम मैच है उसका पासवर्ड देना है। तो बस उससे पहले मैं किक आउट कर लेता हूँ। तो बस उसके बाद आप सेटिंग पे जाओ, आपका जो कस्टम रूम सेटिंग है, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड दीजिए, मतलब कोई से भी पासवर्ड दे सकते हो। मैं दे देता हूँ यहाँ पर जो किया दो अभी, मेरा नेम दे देता हूँ यहाँ पर लकी हो गया। तो क्या कर दो, तो बस ये नहीं हो रहा है, ओनली नंबर, मतलब आपको नंबर चाहिए, आपका नेम से नहीं होगा, आपको कोई से भी नंबर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं सिंपल से कोई भी एक नंबर दे देता हूँ यहाँ पर हो गया। उसके बाद ओके कर दो कंफर्म। तो बस अभी देख सकते हो बहुत सारा बंदा है, सबको किक आउट कर दो, और किसी एक बंदे को रखो यहाँ पर, मैं सबको किक आउट कर देता हूँ। इसको भी किक आउट कर दो, सारे बंदे ऐड हो गया, मतलब कुछ भी, इसको भी किक आउट कर देता हूँ। तो उसके बाद इसको भी यहाँ पर, इसको भी, बस। तो बस अभी एक ही बंदा बचा है, और अभी तो बस ऐसे हो गया आपका क्लासिक स्क्वाड स्लो वर्सेस स्लो। तो बस आप खुद ऐड कैसे हो सकते हो, मतलब यहाँ पर देख सकते हो एक साइड में मतलब आपका बंदा है और एक साइड में कुछ भी नहीं है। तो बस उसके बाद आपको खुद को ऐड करने के लिए यहाँ पर नंबर 2 जो यहाँ पर देख सकते हो खाली है, उसमें क्लिक करके आपको खुद ऐड हो जाना है, उसके बाद आप खेल सकते हो। तो बस अभी हो गया स्लो वर्सेस स्लो क्लासिक स्क्वाड मैच, उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद हो गया, मतलब ऐसे ही आप स्लो वर्सेस स्लो क्लासिक स्क्वाड मैच आसानी से बना सकते हो। तो बस आई होप कि तुम सबको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा प्ले करके देख सकते हो वीडियो। तो गाइस आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।